नमस्कार दोस्तों, आज है 20 मई 2020 और मैं स्वागत करता हूँ आपका युवान करंट अफेयर्स क्विज में। तो चलिए बिना देरी करते हुए शुरू करते हैं अपना आज का करंट अफेयर्स क्विज। इसका पहला क्वेश्चन है, हाल ही में बंगाल की खाड़ी में अम्फान नामक तूफान उड़ीसा तथा पश्चिम बंगाल के तट की ओर तेजी से बढ़ रहा है। इस तूफान का नामकरण अम्फान जो है वो किस देश ने किया है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए है बांग्लादेश, बी है थाईलैंड, सी है भारत और डी है पाकिस्तान। तो दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है थाईलैंड। देखिए अम्फान का नाम जो है वो किसके द्वारा दिया गया है? थाईलैंड के द्वारा दिया गया है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में विश्व भर में 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया। कौन सा? 17 मई को क्या मनाया गया था? विश्व दूर संचार दिवस मनाया गया। और वर्ष 2020 की थीम क्या थी इसकी? ऑप्शन देख लेते हैं, ए है कनेक्ट 2030, ICTs फॉर द SPCs, SPGs। बी है कनेक्ट 2030, सी है कनेक्ट टेलीकम्युनिकेशन और डी है ह्यूमन एंड कम्युनिकेशन। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन ए जो है कनेक्ट 2030, ICTs फॉर द SPCs, SPGs। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है कोरोना वायरस महामारी के कारण भारत में पूर्णबंदी 4 या फिर लॉकडाउन 4 कब तक के लिए बढ़ा दी गई है? ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 21 मई, बी है 26 मई, सी है 31 मई और डी है 5 जून। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है 31 मई। देखिए कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण भारत में पूर्णबंदी 4 जो है उसको क्या है 31 मई 2020 तक बढ़ा दिया गया है। और भारत में क्या है ये चौथी लगातार चौथी पूर्णबंदी है और जो क्या है 18 मई से 31 मई तक रहेगी। आपको ये डेट जरूर याद रखनी चाहिए कि पूर्णबंदी 1, पूर्णबंदी 2, पूर्णबंदी 3, पूर्णबंदी 4 कब से कब तक रही थी। अब देखिए पूर्णबंदी 1 जो है वो 1 से लेकर के पूर्णबंदी 1 को क्या किया गया था कि 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक लागू किया गया था। 25 मार्च से लेकर के 14 अप्रैल तक लागू किया गया था। उसके बाद जो पूर्णबंदी 2 थी उसको लागू किया था कब तक? 15 अप्रैल से लेकर के 3 मई तक। उसके बाद पूर्णबंदी 3 के लिए जो समय सीमा थी वो थी 4 मई से 17 मई तक। और जब इसके बाद अब जो पूर्णबंदी चल रही है जो है 4 लॉकडाउन 4 वो है 18 मई से लेकर के 31 मई तक। तो आपको ये चारों की चारों जो तारीख हैं वो याद रखनी है कि कब से कब तक पूर्णबंदी चली है। और देखिए 17 मई तक का जो आंकड़ा है उसके हिसाब से क्या था, कोरोना संक्रमित मरीजों की संख्या क्या है 95,000 के पार पहुंच चुकी है। और अगर आज की संख्या देखें तो 1 लाख से काफी ज्यादा पहुंच चुकी है। चलिए बढ़ते हैं अपने अगले प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में ब्रिटेन में मीडिया पर निगरानी रखने वाले नियामक ऑफकॉम ने विवादित इस्लामिक प्रचारक कौन है जाकिर नाइक पर देश में नफरत फैलाने के कारण 3 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया है। अब आपको बताना है कि जाकिर नाइक का संबंध कौन से चैनल से है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है अल जजीरा चैनल, बी है पीस टीवी, सी है इस्लामिक टीवी और डी है मुजरसुब इस्लाम। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है पीस टीवी। देखिए ब्रिटेन में मीडिया पर निगरानी रखने वाले नियामक जो है कौन, ऑफकॉम ने विवादित इस्लामिक प्रचारक जाकिर नाइक के पीस टीवी नेटवर्क पर कितना है देश में नफरत फैलाने वाले भाषण और अत्याधिक आपत्तिजनक विषय वस्तु प्रचारित करने के मामले में 3 लाख पाउंड का जुर्माना लगाया है। देखिए पीस टीवी पर क्या है लॉर्ड प्रोडक्शन लिमिटेड का मालिकाना हक है और जो है पीस टीवी उर्दू का जो लाइसेंस है वो है क्लब टीवी के पास है। और दोनों की जो मूल कंपनी है वो कौन सी है? यूनिवर्सल ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड, यूनिवर्सल ब्रॉडकास्टिंग लिमिटेड है। और जिसका मालिक कौन है? जाकिर नाइक है। और विवादित प्रचारक जो है जाकिर नाइक वो क्या है घृणा फैलाने वाले भाषणों से कट्टरपंथ को बढ़ावा देने और धन शोधन के मामले में भारत में भी बंधित है। और 2016 में क्या है वो भारत से मलेशिया चला गया था। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। जो है हाल ही में इजराइल में बेंजामिन नेतान्यू के नेतृत्व में नई सरकार ने शपथ ली तथा नेतान्यू इजराइल के प्रधानमंत्री बने। अब आपको बताना है कि इजराइल की संसद को क्या कहते हैं। ये क्वेश्चन काफी पूछा जाता है एग्जाम्स में, इसराइल की संसद को क्या कहते हैं। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है असेंबली, बी है नेसेट, सी है पीपुल्स असेंबली और डी है कवाली। और दोस्तों का सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है नेसेट। देखिए इसराइल में रविवार को प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतान्यू के नेतृत्व में क्या है नई सरकार ने क्या है शपथ ली है। और इसी के साथ देश के इतिहास में क्या है सबसे लंबा राजनीतिक गतिरोध समाप्त हो गया है। और गतिरोध के दौरान क्या है 500 दिनों से भी ज्यादा वक्त तक कार्यवाहक सरकार बागडोर संभाले हुई थी। कौन सी? कार्यवाहक सरकार बागडोर संभाले हुई थी। और एक के बाद एक हुए 3 चुनावों में क्या हुआ था कि एक के बाद एक 3 चुनाव हुए थे और किसी को भी स्पष्ट बहुमत नहीं मिल पा रहा था।
लेकिन क्या है कि अब जो है उसमें स्पष्ट बहुमत मिल चुका है, वो भी कैसे, देखिए नेसेट ने, नेसेट क्या है, इजरायली संसद है, ठीक है। नेसेट में नई सरकार के विश्वास मत के दौरान पक्ष में कितने वोट पड़े हैं, 73 वोट पड़े हैं, और विपक्ष में कितने पड़े हैं, 46 पड़े हैं। मतलब क्या है कि अब स्पष्ट बहुमत मिल चुका है। देखिए चुनावों में स्पष्ट बहुमत नहीं मिलने पर नेतान्याहू ने प्रतिद्वंदी से साथी बने ब्लू एंड व्हाइट पार्टी के बेनी गांट्स के साथ मिलकर नई सरकार बनाई है। और गांट्स जो है उन्होंने कहा है कि रक्षा मंत्री और वैकल्पिक प्रधानमंत्री के रूप में शपथ ली है। और समझौते के मुताबिक क्या है कि नई सरकार में 18 महीने के बाद, क्या है, 18 महीने के बाद जो अभी के प्रधानमंत्री हैं बेंजामिन नेतान्याहू, वो क्या है, पद छोड़ देंगे। और 17 नवंबर 2021 को जो है गांट जो है वो प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे या फिर प्रधानमंत्री पद संभालेंगे। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में इसराइल में किस देश के राजदूत की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है जापान, बी है चीन, सी है यूएसए और डी है ब्रिटेन। और दोस्तों सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है चीन। देखिए इसराइल में चीन के राजदूत रविवार को तेल अबीब में अपने घर पर मृत पाए गए, और वो क्या है, डूबेई को फरवरी 2020 में इसराइल में क्या है चीन का राजदूत नियुक्त किया गया था, और इसके पहले वो कहाँ थे, यूक्रेन में थे। कौन मृत पाए गए हैं, डू वेई। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में अखिल भारतीय, कौन सा, अखिल भारतीय बार एसोसिएशन ने सिविल प्रक्रिया संहिता की कौन सी धारा को हटाने के लिए प्रधानमंत्री को एक पत्र लिखा है। इस धारा के तहत किसी भारतीय नागरिक को विदेशी सरकार पर मुकदमा करने की अनुमति नहीं है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है सिविल प्रक्रिया संहिता 80, बी है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा कौन सी है 82, सी है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा है 84, और डी है सिविल प्रक्रिया की धारा जो है सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा कौन सी है 86। और दोस्तों आपको बताना है इसका सही उत्तर, तो इसका ऑप्शन है डी, मतलब धारा जो है 86, उसको हटाने की मांग की गई है। देखिए अखिल भारतीय एसोसिएशन ने क्या किया है, हाल ही में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को पत्र लिखकर सिविल प्रक्रिया संहिता की धारा जो है 86 में बदलाव की मांग की है, और इसके तहत अभी क्या है कि किसी भारतीय नागरिक को विदेशी सरकार पर मुकदमा करने की अनुमति नहीं है। अब देखिए बार एसोसिएशन ने क्या है कि कोविड-19 महामारी से हुए नुकसान की भरपाई करने के लिए चीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने की अनुमति देने की मांग की है, लेकिन क्या है कि अभी जो ये धारा है इसकी वजह से किसी दूसरी सरकार के खिलाफ या दूसरे देश के खिलाफ कोई भी मुकदमा नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको हटाने की मांग की गई है। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कोविड-19 से निपटने के लिए अपने वेतन में कितने प्रतिशत की कटौती की घोषणा की है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 15%, बी है 25%, सी है 30% और डी है 40%। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है 30%। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में जम्मू और कश्मीर के नए प्रबंध निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया है। ऑप्शन ए है केबी कामत, बी है राजीव राय, सी है सचिंद्र कुमार और डी है जुबैर इकबाल। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है जुबैर इकबाल। चलिए बढ़ते हैं अपने 10वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने रक्षा सुधारों के तहत रक्षा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश को मौजूदा 45% से बढ़ाकर कितना प्रतिशत कर दिया है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 55%, बी है 65%, सी है 74% और डी है 75%। सॉरी दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन सी जो है 74%। क्या किया है, 45% से बढ़ा करके 74% कर दिया गया है। और क्या कर दिया गया है, देखिए रक्षा क्षेत्र में क्या है, प्रत्यक्ष विदेशी निवेश। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए, कौन सा, आत्मनिर्भर भारत अभियान के लिए घोषित विशेष आर्थिक पैकेज के तहत राज्यों के कर्ज लेने की सीमा को उनके सकल राज्य घरेलू उत्पाद के 3% से बढ़ाकर कितने प्रतिशत करने की घोषणा की गई है। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 4%, बी है 5%, सी है 7% और डी है 8%। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन बी जो है 5%। चलिए बढ़ते हैं अपने 12वें प्रश्न की ओर, जो है हाल ही में आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत नए दिवालिया प्रक्रिया के तहत कितनी राशि बकाया रहने वाली दिवालिया प्रक्रिया को चलाया जा सकेगा। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 20 लाख, बी है 30 लाख, सी है 50 लाख और डी है 1 करोड़। और दोस्तों इसका सही उत्तर है ऑप्शन डी जो है 1 करोड़।
देखिए, आत्मनिर्भर भारत पैकेज के पहले दिन सरकार ने सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग MSME का वित्तीय संकट दूर करने के लिए कदम उठाए हैं। इसके तहत दिवालिया कानून के लटके डर को समाप्त करने का इंतजाम किया है। देखिए, COVID-19 महामारी की वजह से क्या है, छोटी व मझोली कंपनियों के सामने क्या है, कई तरह के वित्तीय संकट पैदा होने के संकेत हैं। और क्या है, ऐसे में खतरा है कि इन कंपनियों के खिलाफ बड़े पैमाने पर दिवालिया कानून, इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्सी कोड IBC जो है वो लागू किया जा रहा है। और सरकार ने क्या है, दिवालिया प्रक्रिया के तहत अब 1 करोड़ रुपए से ज्यादा के मामलों को ही दिवालिया प्रक्रिया के तहत ले जाने की इजाजत दी है। और पहले क्या था कि यह राशि कितनी थी, 1 लाख रुपए थी। और इसके साथ ही 1 वर्ष के लिए नई दिवालिया प्रक्रिया पर रोक भी लगाई जा रही है। और सरकार क्या है, IBC की धारा 240 AMA(b) को संशोधन करेगी। इसके तहत MSME को क्या है, दिवालिया कानून से राहत मिलेगी। चलिए बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर, जो है हमारा आज का प्रश्न, और इस प्रश्न का उत्तर देना है आपको कमेंट के माध्यम से। तो देखिए, प्रश्न देख लेते हैं, सिक्किम राज्य का गठन कब हुआ था। ऑप्शन देख लेते हैं, ए है 1970, बी है 1972, सी है 1975 और डी है 1980। आपको क्या करना है दोस्तों, इस प्रश्न का उत्तर हमें देना है कमेंट के माध्यम से। तो चलिए, आज के अंक में इतना ही। आपको ये वीडियो पसंद आया है तो इसको लाइक कीजिए, और आपको उत्तर जो है वो कमेंट करना है, साथ साथ में आप अपनी फीडबैक भी कमेंट कर सकते हैं। बाकी इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, और क्या है कि हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए अगर आप हमारे चैनल पर पहले से सब्सक्राइब नहीं है। तो चलिए, आज के अंक में इतना ही, मिलते हैं कल के अंक में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।